गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग सीरीज एक्सरसाइज 1H आपको खुद करनी है। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर 2। सी स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब आपको पता करना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, राइट। फैक्टर्स क्या हैं? इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिससे पर्टिकुलर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। कोई भी नंबर मल्टीपल क्या होता है? कोई भी नंबर मल्टीपल कहलाता है अपने फैक्टर्स का। फॉर एग्जांपल, इफ अ नंबर इज 15, 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 × 15 की फॉर्म में लिख सकते हो, आंसर 15 ही आएगा। 3 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हो। दैट दिस शोज दैट ईच ऑफ द नंबर इज 1, 3, 5 कॉमा एंड दैट 15 एग्जैक्टली डिवाइड्स 15। ये सारे नंबर से 15 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। सो 1, 3, 5 and 15 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 15, राइट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 15 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ इट्स नंबर 1, 3, 5 and 15। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इफ अ नंबर एक्स डिवाइड्स अ नंबर वाई एग्जैक्टली, देन एक्स इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ वाई एंड वाई इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर, ठीक है, एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और कोई भी नंबर अपना फैक्टर होता है। इट मे बी नोटेड दैट 1 इज द ओनली नंबर विच हैज एग्जैक्टली वन फैक्टर, नेमली इटसेल्फ। बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फिलॉप्स थ्योरीज में आ सकते हैं। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आप सभी जानते हो, जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है। या फिर आप कह सकते हो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा आर ऑल इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हैं? जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आर ऑल एग्जाम्पल्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ईच ऑफ द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 और एक वो खुद, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 आर ऑल प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, क्योंकि 2 फैक्टर्स से ज़्यादा अगर जिसके नंबर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर के अंदर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए, ईच ऑफ द नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12 इज़ ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। देखिए, फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100 वॉज फाउंड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन एरोस्थेनिस, ठीक है, एरोस्थेनिस। इन्होंने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने का मेथड इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। देखिए, अंडर दिस मेथड हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100, टेकिंग 10 नंबर्स इन ईच रो।
एक रो में 1 से 10 तक के नंबर्स को अरेंज करते हुए आपको एक टेबल बनानी है। वी नो दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो वी सेपरेटेड आउट मेकिंग बॉक्स अराउंड इट। ओके, आपको उसको बॉक्स में डाल देना है। देन एनसर्कल 2 इज अ प्राइम नंबर एंड क्रॉस एवरी मल्टीपल ऑफ 2। 2 को एनसर्कल कर देना है एज अ प्राइम नंबर एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 2। 2 के जो भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देना है। एनसर्कल 3 इज अ प्राइम नंबर एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 3। देन 3 को एनसर्कल करना है एंड 3 के मल्टीपल्स को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। वी नीड नॉट मार्क द नंबर विच हैव ऑलरेडी बीन क्रॉस्ड आउट। जो ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट हो चुके हैं उनको आपको मार्क नहीं करना फिर दोबारा से। देन 5 इज अ प्राइम नंबर, उसको सर्कल करना है और 5 के मल्टीपल्स को क्या कर देना है, क्रॉस्ड आउट कर देना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, और आपको यही प्रोसेस जैसे देन आपने 7 का देखना है, देन आपने क्या करना है, आगे जितने भी नंबर्स आते जा रहे हैं उनको क्रॉस आउट करते रहना। ठीक है, आप इस टेबल को खुद से पढ़िएगा। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऑल एनसर्कल्ड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। जितने भी सर्कल्स लगे हुए हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ऑल क्रॉस्ड आउट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जितने भी क्रॉस्ड नंबर्स हैं वो क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। दस ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 ये हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। 2 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले जो ऑड प्राइम नंबर्स हैं वही ट्विन प्राइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 100 देखिए, आप अपनी टेबल देख लीजिए, सर्कल वाले हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए एक के बाद एक कौन से आ रहे हैं, थ्री 5, और यहाँ पे हमें ऑड प्राइम नंबर बोला है इसीलिए हमने 2 को यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि ये इवन है। 3, 5, 5, 7 है ना, देखिए 13, 11, 13 इस तरीके से हमने इनको लिया है, 17, 19, 29, 31 तो ये हमारे ट्विन प्राइम्स हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाले। प्राइम ट्रिपलेट, अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरेंट बाई 2, डिफरेंस जिनका 2 है इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने लिया, और ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है और 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो देखिए 3, 5, 7 2 का डिफरेंस आ रहा है इनमें और एक के बाद एक आ रहे हैं, 3, 5, 7। और कोई एग्जाम्पल अगर हम ले तो 11, ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता, 11, 13, 17 क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 3 का आ गया है ना। तो आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनके बीच का डिफरेंस केवल 2, 2 का हो। आगे देखिए को प्राइम्स, 2 नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर 2 प्राइम नंबर्स के बीच में, 2 नंबर्स को प्राइम्स कहलाते हैं इफ, अगर उन 2 नंबर्स के बीच में जो फैक्टर है वो केवल 1 है। जैसे 2 और 3 हैं इनके बीच में फैक्टर केवल 1 हो, कॉमन हो सकता है। 3, 4 इनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता है। नंबर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, इवन या ऑड, राइट, लेकिन कॉमन फैक्टर इनके बीच में हमारा क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स, 2 को प्राइम्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर। 2 को प्राइम्स नीड नॉट बी अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है को प्राइम होने के लिए। परफेक्ट नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अगर हमारा कोई भी नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम डबल है जस्ट उस नंबर के, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 इज अ परफेक्ट नंबर सिंस द फैक्टर्स आर 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6, इन सबको ऐड किया हमें मिला 18, और 6 का डबल, सॉरी, इन सबको ऐड किया तो हमें मिला 12, और 6 का डबल होता है 12, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर हुआ। राइट स्टूडेंट्स, वी विल कैरी ऑन इन नेक्स्ट क्लास, देन वी कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 2A। टिल देन बाय।